केसी वेणुगोपाल जी, शक्ति सिंह गोयल जी, कृष्णा रवालो, श्रीनिवास सिंह, यूथ कांग्रेस के हमारे सब ऑफिस बेरर्स, देश के सब युवा भाइयों और बहनों, प्रेस के हमारे मित्रों, आप सबका हम यहाँ स्वागत करते हैं। सबसे पहले मैं यूथ कांग्रेस के हर कार्यकर्ता को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि इस देश में अगर एक संगठन ने कोरोना के समय लड़ाई लड़ी, जनता की मदद की, तो वो यूथ कांग्रेस का संगठन था। तो इसके लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। आज देश के सामने सबसे बड़ा मुद्दा रोजगार का मुद्दा है। इससे बड़ा मुद्दा आज देश के सामने नहीं है। बात सही बोली या गलत बोली? प्रधानमंत्री सब चीज के बारे में बोलेंगे, मगर रोजगार के बारे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक शब्द नहीं बोलते हैं। उन्होंने वायदा किया था 2 करोड़ युवाओं को हर साल रोजगार मिलेगा। भाई और बहनों, 12 करोड़ युवाओं को रोजगार मिला पिछले 7 साल में? नहीं, उल्टा लाखों करोड़ों युवाओं से उनका रोजगार छीना गया। ये सरकार हम दो हमारे दोस्त की सरकार है, और ये सरकार सिर्फ 2-3 उद्योगपतियों के लिए काम करती है। आज आप देखिए, लोकसभा में, लोकसभा के अंदर ऑपोजिशन ने प्लाकार्ड पकड़ रखे हैं, मगर लोकसभा टेलीविजन पे आपको ये सच्चाई नहीं दिखाई देगी। लोकसभा टेलीविजन पे आपको बीजेपी के एमपी बोलते हुए दिखाई देंगे, मगर जो लोकसभा की सच्चाई है वो हिंदुस्तान को नहीं दिखेगी। इसी प्रकार नरेंद्र मोदी का काम हिंदुस्तान की सच्चाई को छुपाने का, दबाने का है। उनका यही काम है। हिंदुस्तान के 2-3 बड़े उद्योगपतियों के लिए वो ये काम करते हैं। मैंने कहा मेरे प्रेस के मित्रों, कहा इनसे आप पूछिए, क्या हिंदुस्तान की सरकार हिंदुस्तान की सच्चाई हिंदुस्तान को दिखाने देती है? क्या हिंदुस्तान की सरकार रोजगार की बात इनको करने देती है? किसानों की बात इनको करने देती है? कल एक छोटी सी बच्चे का बलात्कार हुआ, हत्या हुई, आपने देखा? मीडिया में कहीं देखा आपने? तो इनका लक्ष्य क्या है? इनका लक्ष्य हिंदुस्तान के युवकों की आवाज को दबाने का है। कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज में, सड़क पे, कस्बों में, गांव में हिंदुस्तान के युवा की आवाज दबाने का लक्ष्य है। क्योंकि ये जानते हैं, जिस दिन हिंदुस्तान के युवा ने अपने दिल की बात बोलनी शुरू कर दी, जिस दिन हिंदुस्तान के युवा ने सच्चाई बोलनी शुरू कर दी, उस दिन नरेंद्र मोदी जी की सरकार उसी दिन खत्म हो जाएगी। भाई और बहनों, याद रखिए, किसी ने मुझे कहा, पार्लियामेंट में किसी ने मुझे कहा
ये जो पेगासस का मुद्दा है, भाई क्या कर रहा है यार, सारा हिल जाता है मेरा। ये छोटा सा मुद्दा है, इस पर कांग्रेस पार्टी और पूरा विपक्ष क्यों अड़ गया है? भाई और बहनों एक बात याद रखिए, ये जो आपके हाथ में है ये आपका मोबाइल फोन है, ये आज आपकी आवाज है। इस मोबाइल फोन से जो आप कहना चाहते हो आप कह सकते हो। आप ये बात समझिए, नरेंद्र मोदी जी ने पेगासस को आपके फोन के अंदर डाला है। सिर्फ मेरे फोन के अंदर नहीं, सिर्फ मेरे फोन के अंदर नहीं, हिंदुस्तान के हर युवा के फोन के अंदर नरेंद्र मोदी ने पेगासस का आइडिया डाला है। आइडिया क्या है? आइडिया क्या है कि अगर आपने सच्चाई बोली तो नरेंद्र मोदी आपके फोन के अंदर है, पेगासस आपके फोन के अंदर है। और हिंदुस्तान के युवा को समझना होगा कि जैसे आपकी आवाज दबाई जाती है, जैसे किसानों की आवाज दबाई जाती है, जैसे रोजगार के बारे में आपकी आवाज दबाई जाती है, पेगासस आवाज दबाने का तरीका है। और हिंदुस्तान के युवा की आवाज कोई नहीं दबा सकता है। और इस संगठन का काम, यूथ कांग्रेस का काम, हिंदुस्तान के युवा की आवाज को मजबूत करने का है। और मुझे बहुत खुशी हो रही है कि ये काम आप लोग कर रहे हो। यूथ कांग्रेस के दरवाजे खोलो, दीवारें तोड़ो। और जो करोड़ों युवा आज नरेंद्र मोदी से दुखी है, पेगासस से दुखी है, हम दो हमारी दो सरकार से दुखी है, जो रोजगार ढूंढ रहे हैं, जो भविष्य ढूंढ रहे हैं, उनकी आवाज आप तेजी से जोरों से उठाओ। आपको यह भी समझना होगा, आपको यह भी समझना होगा, आज आपको हिंदुस्तान के युवा को रोजगार क्यों नहीं मिल रहा है? इसका एक ही कारण है, इसका एक ही कारण है भाई और बहनों, हिंदुस्तान को रोजगार छोटे बिजनेस वाले, मिडिल साइज बिजनेस वाले, छोटे दुकानदार, किराना स्टोर, ये लोग दिलवाते हैं। बड़े बड़े उद्योगपति हिंदुस्तान को रोजगार नहीं दिलवाते हैं। और नरेंद्र मोदी जी की सरकार असंगठित लोगों को, असंगठित व्यापार को, असंगठित बिजनेसेस को खत्म करती जा रही है। डिमोनेटाइजेशन किया, जीएसटी लाए, क्यों लाए? छोटे दुकानदारों को, स्मॉल एंड मीडियम साइज बिजनेसेस को खत्म करने के लिए। इनका जो भी है पैसा वो हम दो हमारे दो के हवाले करने के लिए। नतीजा यह है कि आज ये देश नरेंद्र मोदी के कारण रोजगार पैदा नहीं कर पा रहा है। और भाई और बहनों याद रखिए, जब तक नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री है, जब तक हम दो हमारी दो की सरकार है, तब तक हिंदुस्तान के युवाओं को रोजगार नहीं मिलेगा। तो आपको हिंदुस्तान के भैया किसका मतलब, भैया किसका मतलब, आपको यूथ कांग्रेस को और हिंदुस्तान के युवाओं को यह लड़ाई लड़नी है। ये लड़ाई सिर्फ हिंदुस्तान के युवाओं के भविष्य की लड़ाई है। आज जो लड़के स्कूल्स में है, लड़कियां स्कूल्स में है, कॉलेजेस में है, यूनिवर्सिटीज में है, आप बात समझो, आपके भविष्य में रोजगार नहीं है। अगर हिंदुस्तान इस रास्ते पे चलता गया
आपको आज नहीं, कल नहीं, अगले 5-10 साल नहीं रोजगार मिलने वाला। आप अपने बच्चों की, अपने माता पिता की मदद नहीं कर पाओगे। क्यों? क्योंकि नरेंद्र मोदी जी ने, नरेंद्र मोदी जी ने एक पार्टनरशिप बनाई है, एक पार्टनरशिप बनाई है, पार्टनरशिप हिंदुस्तान के युवाओं के साथ नहीं है, पार्टनरशिप हिंदुस्तान के गरीबों के साथ नहीं है, पार्टनरशिप छोटे व्यापारियों के साथ, मिडिल साइज बिजनेस, किसान मजदूर के साथ नहीं है। पार्टनरशिप नरेंद्र मोदी और 2-3 हिंदुस्तान के सबसे बड़े उद्योगपतियों की है, और यह पार्टनरशिप हिंदुस्तान की आत्मा पर, हिंदुस्तान के युवाओं के भविष्य पर आक्रमण कर रही है। इसीलिए नरेंद्र मोदी जी आज रोजगार की बात नहीं कर सकते हैं और आने वाले कल में भी रोजगार की बात नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उनकी पार्टनरशिप किसी और के साथ। आप सबका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। आप लड़ रहे हो, मैं आपके साथ खड़ा हूं। एक साथ खड़े होके रोजगार की लड़ाई, गरीबी की लड़ाई लड़िए। धन्यवाद। जय हिंद।